नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वाराणसी पुरी में कपर्दीश्वर के नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है जो अविनाशी माना गया है। वहां स्नान करके पितरों का विधिवत तर्पण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशीपुरी में निवास करने वाले पुरुषों के काम, क्रोध आदि दोष तथा संपूर्ण विघ्न कपर्दीश्वर के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए परम उत्तम कपर्दीश्वर का सदैव दर्शन करना चाहिए। यत्न पूर्वक उनका पूजन तथा वेदोक्त स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन भी करना चाहिए। कपर्दीश्वर के स्थान में नियम पूर्वक ध्यान लगाने वाले शांत चित्त योगियों को 6 मास में ही योग सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पिशाच मोचन कुंड में नहाकर कपर्दीश्वर के पूजन से मनुष्य के ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कपर्दीश्वर क्षेत्र में उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था शंकुकर्ण। वे प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन, रुद्र का पाठ तथा निरंतर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते थे। उनका चित्त योग में लगा हुआ था। वे मरण पर्यंत काशी में रहने का नियम लेकर पुष्प, धूप आदि उपचार, स्तोत्र, नमस्कार और परिक्रमा आदि के द्वारा भगवान कपर्दीश्वर की आराधना करते थे। एक दिन उन्होंने देखा एक भूखा प्रेत सामने आकर खड़ा है। उसे देख मुनि श्रेष्ठ शंकुकर्ण को बड़ी दया आई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और किस देश से यहां आए हो? पिशाच भूख से पीड़ित हो रहा था। उसने शंकुकर्ण से कहा, मुने, मैं पूर्व जन्म में धन धान्य से संपन्न ब्राह्मण था। मेरा घर पुत्र पौत्रादि से भरा था, किंतु मैंने केवल कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त रहने के कारण कभी देवताओं, गऊओं तथा अतिथियों का पूजन नहीं किया, कभी थोड़ा बहुत भी पुण्य का कार्य नहीं किया। अतः इस समय भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण मैं हिताहित का ज्ञान खो बैठा हूं। प्रभो, यदि आप मेरे उद्धार का कोई उपाय जानते हो तो कीजिए। आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूं। शंकुकर्ण ने कहा, तुम शीघ्र ही एकाग्र चित्त होकर इस कुंड में स्नान करो, इससे शीघ्र ही इस घृणित योनि से छुटकारा पा जाओगे। दयालु मुनि के इस प्रकार कहने पर पिशाच ने त्रिनेत्रधारी देववर भगवान कपर्दीश्वर का स्मरण किया और चित्त को एकाग्र करके उस कुंड में गोता लगाया। मुनि के समीप गोता लगाते ही उसने पिशाच का शरीर त्याग दिया। भगवान शिव की कृपा से उसे तत्काल बोध प्राप्त हुआ और मुनीश्वरों का समुदाय उसकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात जहां भगवान शंकर विराजते हैं, उस त्रयीमय श्रेष्ठ धाम में वह प्रवेश कर गया। पिशाच को इस प्रकार मुक्त हुआ देख मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन भगवान महेश्वर का चिंतन करके कपर्दीश्वर को प्रणाम किया तथा उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, भगवन, आप जटाजूट धारण करने के कारण कपर्दी कहलाते हैं। आप परात्पर, सबके रक्षक, एक अद्वितीय, पुराण पुरुष, योगेश्वर, ईश्वर, आदित्य और अग्नि रूप तथा कपिल वर्ण के वृषभ नंदीश्वर पर आरुण हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं। आप सबके हृदय में स्थित सारभूत ब्रह्म हैं, हिरण्यमय पुरुष हैं, योगी हैं तथा सबके आदि और अंत हैं। आप रू दुख को दूर करने वाले हैं, अतः आपको रुद्र कहते हैं। आप आकाश में व्यापक रूप से स्थित महामुनि ब्रह्म स्वरूप एवं परम पवित्र हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं। आप सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तकों से युक्त हैं। आपके सहस्त्रों रूप हैं। आप अंधकार से परे और वेदों की भी पहुंच के बाहर हैं। कल्याणोत्पादक होने से आपको शंभु कहते हैं। आप हिरण्य गर्भ आदि देवताओं के स्वामी तथा 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। जिनमें इस जगत की उत्पत्ति और लय होते हैं, जिन शिव स्वरूप परमात्मा ने इस समस्त दृश्य प्रपंच को व्याप्त कर रखा है तथा जो वेदों की सीमा से भी परे हैं, उन भगवान शंकर को प्रणाम करके मैं सदा के लिए उनकी शरण में आ पड़ा हूं। जो लिंग रहित, किसी की पहचान में न आने वाले, आलोक शून्य
जिन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, जो स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं प्रभु, चेतना के स्वामी, एक रूप तथा ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट परमेश्वर हैं, जिनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तथा जो वेद से भी परे हैं, उन्हीं आप भगवान कपर्दीश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। सबीज समाधि का त्याग करके निर्बीज समाधि को सिद्ध कर परमात्म रूप हुए योगी जन, जिसका साक्षात्कार करते हैं और जो वेद से भी परे हैं, वह आपका ही स्वरूप है। मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ। जहाँ नाम आदि विशेषणों की कल्पना नहीं है, जिनका स्वरूप इन चर्म चक्षुओं का विषय नहीं होता, तथा जो स्वयंभू, कारणहीन तथा वेद से परे हैं, उन्हीं आप भगवान शिव की मैं शरण में हूँ और सदा आपको प्रणाम करता हूँ। जो देह से रहित ब्रह्म, विज्ञानमय, भेद शून्य और एक अद्वितीय हैं, तथापि वेदवाद में आसक्त मनुष्य जिसमें अनेकता देखते हैं, उस आपके वेदातीत स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जिससे प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, स्वयं पुराण पुरुष आप जिसे तेज के रूप में धारण करते हैं, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते हैं, तथा जो आपकी ज्योति में सन्निहित है, उस आपके स्वरूप भूत बृहत काल को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सदा के लिए कार्तिकेय के स्वामी की शरण जाता हूँ, स्थाणु का आश्रय लेता हूँ, कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले पुराण पुरुष शिव की शरण में पड़ा हूँ। भगवान, आप कष्ट हरने के कारण हर कहलाते हैं। आपके मस्तक में चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है, तथा आप पिनाक नाम से प्रसिद्ध धनुष धारण करने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार भगवान कपर्दी की स्तुति करके शंकुकर्ण प्रणव का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। उसी समय शिव स्वरूप उत्कृष्ट लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जो ज्ञानमय तथा अनंत आनंद स्वरूप था। आग की भांति उससे करोड़ों लपटें निकल रही थी। महात्मा शंकुकर्ण मुक्त होकर सर्वव्यापी निर्मल शिव स्वरूप हो गए और उस विमल लिंग में समा गए। राजन, यह मैंने तुम्हें कपर्दी का गूढ़ महात्म बतलाया है। जो प्रतिदिन इस पाप नाशिनी कथा का श्रवण करता है, वह निष्पाप एवं शुद्ध चित्त होकर भगवान शिव के समीप जाता है। जो प्रातः काल और मध्यान्ह के समय शुद्ध होकर सदा ब्रह्म पार नामक इस महास्तोत्र का पाठ करता है, उसे परम योग की प्राप्ति होती है। तदनंतर गया में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्र चित्त होकर स्नान करे। भारत, वहां जाने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां अक्षयवट नाम का वट वृक्ष है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। राजन, वहां पितरों के लिए जो पिंडदान किया जाता है, वह अक्षय होता है। उसके बाद महानदी में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करे। इससे मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त होता तथा अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात ब्रह्मारण्य में स्थित ब्रह्मसर की यात्रा करें। वहां जाने से पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, वहां से विश्व विख्यात धेनुक तीर्थ को प्रस्थान करें और वहां एक रात रहकर तिल की धेनु दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से शुद्ध हो निश्चय ही सोमलोक में जाता है। वहां बछड़े सहित कपिला गौ के पदचिन्ह आज भी देखे जाते हैं। उन पदचिन्हों में से जल लेकर आचमन करने से जो कुछ घोर पाप होता है, वह नष्ट हो जाता है। वहां से गृध्रवट की यात्रा करें। वह शूलधारी भगवान शंकर का स्थान है। वहां शंकर जी का दर्शन करके भस्म स्नान करे, सारे अंगों में भस्म लगाए। ऐसा करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो उसे 12 वर्षों तक व्रत करने का फल प्राप्त होता है और अन्य वर्ण के मनुष्यों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात उदय पर्वत पर जाए, वहां सावित्री के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। उस तीर्थ में संध्योपासन करना चाहिए। इससे एक ही समय में 12 वर्षों तक संध्या करने का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात वहीं योनि द्वार के पास जाए, वह विख्यात स्थान है।
उसके पास जाने मात्र से मनुष्य गर्भवास के कष्ट से छुटकारा पा जाता है। राजन, जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में गया में निवास करता है, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, तत्पश्चात तीर्थ सेवी मनुष्य फल्गु नदी के किनारे जाए। वहां जाने से वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तदनंतर एकाग्र चित्त हो धर्म पृष्ठ की यात्रा करे, जहां धर्म का नित्य निवास है। वहां धर्म के समीप जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां से ब्रह्मा जी के उत्तम तीर्थ को प्रस्थान करे और वहां पहुंचकर व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मा जी की पूजा करे। इससे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। इसके बाद मणिनाग तीर्थ में जाए, वहां सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में एक रात निवास करने पर सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद ब्रह्मर्षि गौतम के वन में जाए, वहां अहिल्या कुंड में स्नान करने से परम गति की प्राप्ति होती है। उसके बाद राजर्षि जनक का कूप है, जो देवताओं द्वारा भी पूजित है। वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। वहां से विनाशन तीर्थ को जाए, जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। वहां की यात्रा से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और सोमलोक को जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण तीर्थों के जल से प्रकट हुई गंडकी नदी की यात्रा करें। वहां जाने से मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता और सूर्य लोक को जाता है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर वहां से ध्रुव के तपोवन में प्रवेश करें। महाभाग, वहां जाने से मनुष्य यक्ष लोक में आनंद का अनुभव करता है। तदनंतर सिद्ध सेवित कर्मदा नदी की यात्रा करें। वहां जाने वाला मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता और सोमलोक को जाता है। राजा युधिष्ठिर, तत्पश्चात माहेश्वरी धारा के समीप जाना चाहिए। वहां यात्री को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। देव पुष्करणी तीर्थ में जाकर स्नान से पवित्र हुआ मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्र चित्त हो माहेश्वर पद की यात्रा करे। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भरत श्रेष्ठ, माहेश्वर पद में 1 करोड़ तीर्थ सुने गए हैं, उनमें स्नान करना चाहिए। इससे पुंडरीक यज्ञ के फल और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तदनंतर भगवान नारायण के स्थान को जाना चाहिए, जहां सदा ही भगवान श्री हरि निवास करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन, ऋषि, 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र वहां उपस्थित होकर भगवान जनार्दन की उपासना करते हैं। वहां अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु का विग्रह शालग्राम के नाम से विख्यात है। उस तीर्थ में अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और भक्तों को वर प्रदान करने वाले त्रिलोकीपति श्री विष्णु का दर्शन करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वहां एक कुआं है, जो सब पापों को हरने वाला है। उसमें सदा 4 समुद्रों के जल मौजूद रहते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अविनाशी एवं महान देवता वरदायक विष्णु के पास पहुंचकर 3 ऋणों से मुक्त हो चंद्रमा की भांति शोभा पाता है। जाति स्मर तीर्थ में स्नान करके पवित्र एवं शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य पूर्व जन्म के स्मरण की शक्ति प्राप्त करता है। वटेश्वरपुर में जाकर उपवास पूर्वक भगवान केशव की पूजा करने से मनुष्य मनोवांछित लोकों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात सब पापों से छुटकारा दिलाने वाले वामन तीर्थ में जाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। भरत का आश्रम भी सब पापों को दूर करने वाला है। वहां जाकर महापातक नाशिनी कौशिकी नदी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानव राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर परम उत्तम चंपकारण्य अर्थात चंपारण की यात्रा करें। वहां 1 रात उपवास करने से मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। तत्पश्चात कन्या संवेद्य नामक तीर्थ में जाकर नियम से रहे और नियमानुकूल भोजन करें।
इससे प्रजापति मनु के लोकों की प्राप्ति होती है। जो कन्या तीर्थ में थोड़ा सा भी दान करते हैं उनका वह दान अक्षय होता है। निष्ठावास नामक तीर्थ में जाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और विष्णु लोक को जाता है। नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य निष्ठा के संग में दान करते हैं वे रोग शोक से रहित ब्रह्म लोक में जाते हैं। निष्ठा संगम पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। देवकूट तीर्थ की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहां से कौशिक मुनि के कुंड पर जाना चाहिए, जहां कुशिक गोत्र में उत्पन्न महर्षि विश्वामित्र ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। भरत श्रेष्ठ, वहां धीर पुरुष को कौशिकी नदी के तट पर एक मास तक निवास करना चाहिए। एक ही मास में वहां अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कालिका संगम एवं कौशिकी तथा अरुणा के संगम में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला विद्वान सब पापों से मुक्त हो जाता है। सक्रिन नदी नामक तीर्थ में जाने से द्विज कृतार्थ हो जाता है तथा सब पापों से शुद्ध हो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। मुनिजन सेवित और उद्यानक तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए, इससे सब पाप छूट जाते हैं। तदनंतर चंपापुरी में जाकर गंगा जी के तट पर तर्पण करना चाहिए। वहां से दंडार्पण में जाकर मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। तदनंतर संध्या में जाकर सद विद्या नामक उत्तम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य विद्वान होता है। उसके बाद गंगा सागर संगम में स्नान करना चाहिए। इससे विद्वान लोग 10 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति बतलाते हैं। तत्पश्चात पाप दूर करने वाली वैतरणी नदी में जाकर विरज तीर्थ में स्नान करे, इससे मनुष्य चंद्रमा की भांति शोभा पाता है। प्रभाव क्षेत्र के भीतर कुल नामक तीर्थ में जाकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा सहस्त्र गोदानों का फल पाकर अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। सोन नदी और ज्योतिरथी के संगम पर निवास करने वाला पवित्र मनुष्य देवताओं और पितरों का तर्पण करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। सोन और नर्मदा के उद्गम स्थान पर वंशगुल्म तीर्थ में आचमन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कौशला के तट पर ऋषभ तीर्थ में जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कौशला के किनारे काल तीर्थ में जाकर स्नान करे तो 11 बैल दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। पुष्पवती में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तदनंतर जहां परशुराम जी निवास करते हैं उस महेंद्र पर्वत पर जाकर राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहीं मतंग का क्षेत्र है, जहां स्नान करने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। उसके बाद श्री पर्वत पर जाकर नदी के किनारे स्नान करें। वहां देव नद में स्नान करने से मनुष्य पवित्र एवं शुद्ध चित्त हो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तदनंतर कावेरी नदी की यात्रा करें। वहां स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। वहां से आगे समुद्र के तटवर्ती तीर्थ में, जिसे कन्या तीर्थ कहते हैं, जाकर स्नान करें। वहां स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर समुद्र मध्यवर्ती गोकर्ण तीर्थ में जा भगवान शंकर की पूजा करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता और गणपति पद को प्राप्त होता है। 12 रात तक वहां उपवास करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। उसी तीर्थ में गायत्री देवी का भी स्थान है, जहां 3 रात उपवास करने से मनुष्य गवामय यज्ञ का फल पाता और वायु लोक को जाता है। वेणा के संगम में स्नान करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वरदा संगम में नहाने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है।